हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 16 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग की तरफ से एक लेटर इशू किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला अभियान के अंदर और 3 उपक्रम नए से लाए गए हैं, जिसमें स्टूडेंट का सहभाग होने के लिए कहा गया है। ये तीनों उपक्रम आपको इस लेटर में मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो उपक्रम है वो है शैक्षणिक घोष वाक्य। यानी जो भी स्टूडेंट इस उपक्रम में शामिल होने वाले हैं, उनके तरफ से एक घोष वाक्य, शैक्षणिक घोष वाक्य तैयार कर लेना है और उसकी एक फोटो को आपको अपलोड करना है। उसके बाद 2 नंबर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचे संदेश पत्रासोबत पालक विद्यार्थी यांची सेल्फी। यानी कुछ टाइम पहले माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से जो एक संदेश पत्र दिया गया था, उसके साथ पालक और विद्यार्थी की सेल्फी लेना है और उसको अपलोड करना है। और उसके बाद 3 है वाचन प्रतिज्ञा, जो हमें ऑनलाइन ही लेनी है। तो ये तीनों को एक साथ एक ही वेबसाइट के जरिए आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसकी डेट है 17 फरवरी से 25 फरवरी 2024। यानी इन डेट में आपको ये उपक्रम में सहभाग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर लगेंगे। यानी यहाँ पे आपको ये चीज़ें कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ें कंपलसरी हैं। सबसे पहला है पेरेंट का मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट्स के लिए उसके पेरेंट का जो भी है मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे एंटर करना होता है। और उस पर OTP वगैरह कुछ जाता नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे वो नंबर डालना होता है। नंबर 2, CM लेटर के साथ पेरेंट और स्टूडेंट का एक सेल्फी लिया हुआ एक फ़ोटो लगेगा, जिसको आपको अपलोड करना है। और तीसरा है उस स्टूडेंट के जरिए लिखा हुआ कोई भी एक घोष वाक्य, यानी शैक्षणिक घोष वाक्य, उसका फोटो लगेगा। तो ये 3 चीज़ों अगर आपके पास होंगी तो आप आसानी से यहाँ पे इसमें सहभाग ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके मोबाइल से कैसे आसानी से आप इसमें शामिल हो सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट को सहभागी होना है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एड्रेस बार में mahacm.in ये जो है वेबसाइट है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये वेबसाइट आपको शो होगी, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है खालील प्रत्येक बाबी पूर्णपने अचूक व स्पष्टपने नमूद करावे। तो आप यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है उसकी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मैंने पहले ही इस वीडियो के शुरुआत में बताया हूँ। तो यहाँ पे इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर, यानी पेरेंट का मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर, दोबारा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। और ये जो यहाँ पे इमेज दी गई है, कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले डिटेल भर देता हूँ और फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल दिया हूँ, अब कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे स्टूडेंट फुल नेम, अब जो पेरेंट का हमने मोबाइल नंबर डाला हुआ है तो अब उस स्टूडेंट का फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद स्कूल नेम, यानी आपके स्कूल का यहाँ पे नेम एंटर करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिस्ट आएंगी, इसमें से हमें डिस्ट्रिक्ट को अपने सिलेक्ट करना है और फिर तालुका यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे ये डिटेल डाल देता हूँ। अब यहाँ पे नाम डाला हुआ है, अब उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे तालुका सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अब नेम, स्कूल का नेम, डिस्ट्रिक्ट और तालुका यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ और उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक घोष वाक्य आपको किस तरह से तैयार करना है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने घोष वाक्य का फोटो लिया हुआ है, वो यहाँ पे इमेज को अपलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है उस स्टूडेंट ने जो घोष वाक्य तैयार किया था, तो उस पर क्लिक कर लेना है
तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो घोष वाक्य, शैक्षणिक घोष वाक्य का जो आपने इमेज अपलोड किया हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे इथे घोष वाक्य नमूद करावे, यानी वो जो है स्लोगन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे टाइप करना है। अब तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा लिख कर भी हो गया है, तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे पेरेंट के साथ और सीएम का जो लेटर था उसके साथ सेल्फी किस तरह से आपको लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वो जो सेल्फी ली हुई है उस स्टूडेंट की पेरेंट्स के साथ वो यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो इस पे यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेल्फी वाली इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, यानी ये जो है सेल्फी वाली इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट है प्लेज, यानी वाचन सवय प्रतिज्ञा। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि आपने पहले ही स्टूडेंट का नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, तो वो यहाँ पे नाम डालने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे नीचे जो आई एग्री पे लिखा हुआ है यानी मी प्रतिज्ञा घेतो, तो यहाँ पे हमें वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है उस पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद ये लास्ट पॉइंट है, अब इसको हमें यहाँ पे सबमिट द प्लेज करना है। तो मैं यहाँ पे सबमिट द प्लेज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी अब जो है हमारा इस स्टूडेंट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से वन बाय वन आप हर स्टूडेंट का यहाँ पे सहभाग ले सकते हैं और सहभाग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये उपक्रम को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का आपको यहाँ पे करना है तो गो बैक टू होम पेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको भी इस उपक्रम में शामिल होना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।